जहां एक तरफ कोरोना से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, वहीं इसकी रोकथाम पर हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है। शाहपुर की पूर्व विधायक मुन्नी देवी के नेतृत्व में बिनिया के राजा बाजार में नमो आयुर्वेदिक काढ़ा आम जनता को पिलाई गई, ताकि आम जनता निरोग रहे और कोरोना वायरस से बच सके। साथ में उन्होंने आम जनता से मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करने का पर भी बल दिया। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भोजपुर में बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए शाहपुर के पूर्व विधायक मुन्नी देवी के नेतृत्व में बिहिया के राजा बाजार में नमो आयुर्वेदिक काढ़ा आम जनता को पिलाई गई और मास्क और सोशल डिस्टेंस के पालन का निवेदन किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। टीम मुन्नी देवी द्वारा ये नमो काढ़ा का स्टॉल लगाया गया, क्या पहल की जा रही है, किस तरह की सोच है ये? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कोरोना महामारी को देखते हुए जो भारत सरकार ने के आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के तहत हम लोग चाहते हैं कि जितने भी नगर के लोग हैं, खास करके शाहपुर विधानसभा के लोग, इससे हम लोग जुड़े हुए हैं, विधानसभा में टीम मुन्नी देवी के सदस्य के नाते हम लोग मिल करके और लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को हम लोग फ्री में जज बाजार और राजा बाजार बिहिया में हम लोग एक काढ़ा का स्टॉल लगाए हुए हैं, और फ्री में हम लोग प्रतिदिन काढ़ा बांटेंगे और काढ़ा लोगों को पीने के लिए प्रेरित करेंगे। ये बाजार में ही क्यों स्टॉल लगेगी कि देहाती क्षेत्र में नहीं? शाहपुर विधानसभा के हर एक जगह पर टीम मुन्नी देवी के सदस्यों द्वारा काढ़ा का स्टॉल लगाया जा रहा है। ये बिहिया बाजार में ही नहीं, शाहपुर के 6 मंडल के जितने भी गाँव हैं, लगभग सभी गाँव में ये व्यवस्था की जा रही है। कब तक चलेगी ये? जब तक कोरोना का कहर रहेगा, हम लोग का प्रयास है कि तब तक चले। परिचय बताइए। शंकर केसरी, भाजपा नगर अध्यक्ष, बिहिया।